नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फायर ऑनलाइन क्लास पर। तो आज हम आप सभी के लिए फायरमैन की एक वास्तविक यानी न्यू कट ऑफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बोलोगे इतने दिनों बाद कि आप सर कट ऑफ क्यों बता रहे हो। तो आप सभी को हम यह जानकारी बता देते हैं कि हम सभी जगह जाँच पड़ताल करके फिर यह कट ऑफ आपके लिए हम लेके आए हैं। इस वीडियो में इस बार दो अलग अलग कट ऑफ है। जो कट ऑफ आप सभी को YouTube पर दिखाई जा रही है या हर जगह बताई जा रही है, और एक कट ऑफ जो हम आपको बताने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो वीडियो पर कंप्लीट बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यह आपका भविष्य का सवाल है और आपको अच्छी चीज बताई जाएगी, कोई भी भ्रांति यहाँ पर नहीं फैलाई जाएगी। तो आप बने रहें इस वीडियो में, यह अपडेट भी आने वाली है जल्द ही इस कट ऑफ के बारे में। तो आज आपको इस कट ऑफ की संपूर्ण जानकारी मिलेगी हमारी यूट्यूब चैनल फायर ऑनलाइन क्लास पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ पोल्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि कितने स्टूडेंटों के कितने सवाल सही हुए हैं। यह यूट्यूब पर और टेलीग्राम चैनल पर पोल कराए गए थे। इसमें पूछा गया है कि फायरमैन परीक्षा में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर 59% स्टूडेंटों ने बताया है कि 50 से 60 हमारे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, और नीचे 60 से 65 सवाल 12% स्टूडेंटों ने बताया कि हमारे इतने सवाल ठीक हो रहे हैं। तो आगे और पोल्स पर कुछ थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, वीडियो पर आप बने रहें। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का यह एक पोल्स है, यहाँ पर भी देखिए 50 से 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 45% स्टूडेंटों ने बताया है, और इनके वोट्स देख लेते हैं। ये 324 स्टूडेंटों ने वोट किया है कि हमारे इतने सवाल ठीक हो रहे हैं। एक हम 10,000 वोट का देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने सही हो रहे हैं सवाल। फायरमैन परीक्षा में आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर 50% यानी 56% है यहाँ पर। तो 50% मानते हैं कि हमारे 50 से 60 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं संभावित, और 60 से 70 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं 18% स्टूडेंटों ने यह पोल्स का जवाब दिया है। ठीक है, तो 60 से 70% जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं संभावित में फिजिकल और प्रैक्टिकल की तैयारी कर सकता है, अच्छे तरीके से उनका सिलेक्शन निश्चित है। और यह आप देख सकते हैं नीचे 10,000 लोगों ने इसका वोट किया है, इस पोल्स का। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो आगे हम आपको बताते हैं कि आपके पेपर में कितने अंक आना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जनरल की बताते हैं। तो जनरल में अगर आपके 50 से 55 अंक आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्थिति में है, तैयारी कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट तैयारी नहीं कर रहा है अब। और गर्ल्स की बताते हैं, लड़कियों की बताते हैं, 43 से 48 अंक अगर आपके आ रहे हैं तो वह सेफ जोन में है। आगे ओबीसी की, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में लगभग समान होने वाली है, ऊपर नीचे हो सकती है, एक दो अंक ऊपर नीचे हो सकती है। गर्ल्स की भी लगभग समान है। तो 45 से 50 अगर आपके अंक आ रहे हैं, और गर्ल्स में 38 से 43 अगर अंक आपके आ रहे हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, तो आप सेफ जोन में हैं, निश्चित ही आप तैयारी कर सकते हैं। आगे करते हैं बात एमबीसी की। एमबीसी की यहाँ पर 42 से 40 अंक और लड़कियों में 33 से 38 अंक अगर आपके आ रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1,40,000 स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया था, तो उनमें से 10% विद्यार्थी पास किए जाएंगे। तो आप लगभग तैयारी करते रहें, अच्छी तैयारी करें, क्या पता सिलेक्शन हो जाए, और हो भी जाएगा निश्चित अगर आपके अंक बन रहे हैं इसी प्रकार। तो एससी की बात करते हैं, एससी की 40 से 45 अंक और लड़कियों में 35 से 40 अंक आ रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए रेडी हो जाए। और एसटी में बात करते हैं, यहाँ पर 38 से 40 और 33 से 38 अंक अगर गर्ल्स या लड़कियों को आ रहे हैं तो वह भी तैयारी कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, अगर हाई कट ऑफ चल जाती है या इसके अलावा हाई कट ऑफ चल जाती है तो वह कितनी जा सकती है संभावित, अब आपको बता रहे हैं। तो यह संभावित कट ऑफ है जो कि हाई कट ऑफ अगर जा सकती है तो जनरल की जा सकती है। अगर ज़्यादा कट ऑफ जाती है तो 64 से 68 कट ऑफ जनरल की जा सकती है, हो सकता है अगर ज़्यादा जाए तो संभावित ही इतनी ही जा सकती है।
ओबीसी की अगर जाती है तो 60 से 62, और एससी और एमबी एमबीएस या एमबीसी होती है, शायद एमबीसी है, तो उनकी अगर कट ऑफ जाती है तो उनकी यह होगी, अगर उनके 56 से 58 रहे हैं, एमबीसी की अगर 56 से 60 अंक बन रहे हैं तो उनका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। यह हम हाई कट ऑफ की बात कर रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं एसटी के, अगर 51 से 55 अंक बन रहे हैं और ईडब्ल्यूएस में 61 से 65 अंक बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो यहाँ पर हाई कट ऑफ की अगर हम बात कर रहे हैं, सभी कमेंट करके बताना कि वीडियो किस प्रकार लगी और आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, हम आपको निश्चित ही रिप्लाई देंगे। अगर आपके हाई कट ऑफ के अनुसार आपके मार्क्स जा रहे हैं जनरल ओबीसी एससी एसटी और नीचे ईडब्ल्यूएस में, अगर आप इस हाई कट ऑफ के अनुसार आपके मार्क्स आ रहे हैं तो संभावित ही आप अपनी प्रैक्टिकल की तैयारी कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। इस हाई कट ऑफ के अनुसार आपका अगर मार्क्स आ रहे हैं, अंक आ रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि हम तैयारी कहाँ से करें, तो हम आपको एक अच्छे विकल्प, अच्छी जगह पर बताएंगे कि आप कहाँ पर फिजिकल प्रैक्टिकल की तैयारी करें। वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। यह कट ऑफ आपकी निश्चित ही इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं जाएगी। तो आप सभी को वीडियो किस प्रकार लगी, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट।